हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर फाइन। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स, उसमें चैप्टर नंबर 2। आज चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर है और लास्ट वाला इलस्ट्रेशन है। काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन हैं बट ये सारा का सारा रिपीट हो रहे हैं, सभी ट्रांजेक्शन रिपीट ही हो रहे हैं, सो डोंट वरी। लास्ट में हमने 10 देखा था, उसके जैसा ही है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कमेंस बिजनेस विथ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ₹40,000। सो यहाँ पे ऐसा बोला है कि 40,000 कैश ला के बिजनेस स्टार्ट किया। और वो वैसे भी मैंने आपको बताया था, कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ओनर कैश ही लाता है या फिर एसेट्स लाता है या फिर कोई भी गुड्स लाता है, बट यहाँ पे कुछ जिक्र नहीं किया, यानी कि 40,000 रुपीज़ वो कैश ही लाया होगा। सो दिस इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन, और बिजनेस के ट्रांजेक्शन हम लिख रहे हैं, सो ऑफिशियली बिजनेस में कैश कम्स इन। सो कैश कम्स इन कहाँ से आई या किसने दी? तो सर ओनर ने। सो ओनर इज अ गिवर। चलिए कैश, तो इफेक्ट कैश कम्स इन एंड ओनर इज अ गिवर। सो देखते हैं कौन सी अकाउंट्स इफेक्ट करता है। यहाँ पे कैश है तो लिखेंगे कैश अकाउंट, और ओनर, ओनर कुछ भी देता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। सो कैपिटल अकाउंट। कैश किस में आता है? रियल अकाउंट्स में। कैपिटल कौन से टाइप का अकाउंट है? तो सर पर्सनल, लिख दिया। अब देखो रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, कम सीन होगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट। और पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है? गिवर होगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। याद आया, लास्ट लेक्चर में कुछ ऐसा ही करवाया था। नेक्स्ट नंबर 2, लोन ऑफ 10 ऑफ ₹60,000 फ्रॉम रमनिक। सो रमनिक के पास से हमने लोन लिया है। अगर आप किसी के भी पास से लोन लेते हो तो क्या होता है? तो लोन कैश में ही मिलेगा ना। यस सर, सो दिस इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन। लोन लिया है यानी कि आपके पास कैश आया, सो कैश कम्स इन। चलिए देखिए कहाँ से आया या किसने दिया। तो सर रमनिक के पास से आया, तो रमनिक इज अ लोन गिवर। रमनिक ने हमको लोन दिया है इसीलिए रमनिक इज अ लोन गिवर। कैश कम्स इन यानी कि कैश अकाउंट। सेकंड लोन मिला है, सो लोन अकाउंट। कैश किस में आता है? तो सर रियल अकाउंट में। लोन कौन से अकाउंट में आता है? तो पर्सनल में आता है। रियल अकाउंट का रूल्स है कम्स इन तो डेबिट, पर्सनल में गिवर को क्रेडिट। इजी। नेक्स्ट 20,000 डिपॉजिट विथ यूनियन बैंक एंड ओपन अकाउंट। विथ सिर्फ बैंक लिख रहा हूँ एंड ओपन अकाउंट। 20,000 रुपीज़ हमने बैंक में डिपॉजिट किया एंड अकाउंट खुलवाया। सो हियर इज अ बैंक वर्ड। यस या नो? बैंक वर्ड है, सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। देखते हैं हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए यानी कि कैश कम्स इन या गोज आउट। तो सर गोज आउट। कहाँ गया? बैंक में गया, सो बैंक इज अ रिसीवर। हो गया। चलिए इसमें इफेक्ट तो कैश अकाउंट की, इसमें बैंक है तो बैंक अकाउंट।
कैश किस में आएगा? तो सर रियल अकाउंट में, और बैंक तो सर पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल्स गोज आउट है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का रूल्स रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। नेक्स्ट नंबर 4, ब्रोकरेज रिसीव ₹400। ₹400 का ब्रोकरेज मिला। सो हियर इज अ रिसीव वर्ड। सो रिसीव वर्ड है, रिसीव वर्ड दिया है, सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। चलो रिसीव यानी मिला, तो कैश कम्स इन। क्या मिला है? ब्रोकरेज। सेकंड थिंग, चलिए बिजनेस में क्या आया? कैश आया। कुछ गया? नहीं सर। किसी का नेम दिया है यहाँ पे? नहीं सर। सो कोई रिसीवर या गिवर नहीं हुआ। तो चलिए ब्रोकरेज क्या हुआ? इनकम या एक्सपेंस? तो हमको मिली है, यानी ब्रोकरेज इज इनकम। क्या होती है? मिलेगी तो इनकम। सो कैश कम्स इन यानी कि कैश अकाउंट, और दूसरा ब्रोकरेज अकाउंट। कैश किस में आता है? तो रियल अकाउंट में, और ब्रोकरेज किस में आता है? नॉमिनल। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? कम्स इन है तो क्या करे? डेबिट। नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। नेक्स्ट नंबर 5, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम बच्चू भाई। गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम बच्चू भाई। सो बच्चू भाई के पास से हमने क्रेडिट पे यानी कि उधारी से गुड लिया है। सो लिखाई है क्रेडिट। सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो नेम को पकड़ो, क्या है? बच्चू भाई। चेक करो बच्चू भाई इज रिसीवर या गिवर। तो हमने परचेस किया है, गुड्स आया, किसने दिया? बच्चू भाई ने दिया। सो बच्चू भाई इज गिवर। एंड बोला ना गुड्स आया है, तो गुड्स कम्स इन। चलिए तो फर्स्ट इफेक्ट बच्चू भाई अकाउंट, एंड सेकंड गुड्स है तो हमने परचेस किया है, सो परचेस अकाउंट। सो बच्चू भाई किस में आएगा? पर्सनल में, और गुड्स रियल में। पर्सनल का रूल्स क्या है? गिवर को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। रियल का रूल्स कम्स इन है तो डेबिट। नेक्स्ट नंबर 6, गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू लक्ष्मी। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू लक्ष्मी। चलिए हमने 60,000 का गुड्स लक्ष्मी को सेल किया है, सोल्ड किया है। लिखा है क्रेडिट। सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो नाम को पकड़ो। तो लक्ष्मी इज, हमने लक्ष्मी को सेल किया तो गुड्स गया किसके पास? गया लक्ष्मी के पास। तो लक्ष्मी ने क्या किया? वो रिसीव किया है। सो लक्ष्मी इज अ रिसीवर एंड गुड्स गोज आउट। सो लक्ष्मी अकाउंट एंड गुड्स हम सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट। लक्ष्मी किस में आता है, कौन से अकाउंट्स में? तो सर पर्सनल नेम दिया है तो सेल्स गुड्स हैं तो रियल अकाउंट्स में। पर्सनल अकाउंट का रूल्स रिसीवर को क्या करो? डेबिट। एंड रियल अकाउंट गोज आउट तो क्रेडिट। नाउ नंबर 7, शॉप रेंट पेड ₹5,000। फाइव
5000 का शॉप रेंट हमने पेड किया है. सो हियर इज अ पेड वर्ड, सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन. चलिए पेड किया है तो कैश क्या होगा, गोज आउट. चलिए एनी वन इज रिसीवर या गिवर, नो सर किसी का नेम नहीं है. सो फाइनल करो इनकम या एक्सपेंस, तो हमने रेंट पेड किया है सो रेंट इज एन एक्सपेंस, राइट. सो कैश अकाउंट एंड सेकंड इज अ रेंट अकाउंट. सो कैश किस में आता है, तो रियल अकाउंट में, एंड रेंट तो सर नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल से गोज आउट है तो क्रेडिट, एंड नॉमिनल में एक्सपेंस है तो डेबिट. नंबर 8, 200 पेड टू रमाकांत फॉर कैरेज. रुपीज 200 पेड टू रमाकांत फॉर कैरेज. ओके, हमने रमाकांत को कैरेज का पैसा दिया 200 रुपीस. सो पेड वर्ड है सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन. पेड किया है तो कैश गोज आउट. अब देखो यहाँ पे कैरेज का दिया है, रमाकांत को दिया है, तो यहाँ पे नाम को इग्नोर करना है, एक्सपेंस देखना है. क्या देखना है, एक्सपेंस या इनकम. तो हमने कैरेज का दिया है तो लिखेंगे कैरेज इज एक्सपेंस. ऑलवेज एक्सपेंस का पेड करते हो तो नेम नहीं लिखते किसी का, एक्सपेंस लिखते हैं. सो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट और कैरेज अकाउंट. सो कैश आता है रियल में और ये आता है नॉमिनल में. सो रियल का गोज आउट यानी कि क्रेडिट, और नॉमिनल में एक्सपेंस यानी कि डेबिट. नंबर 9, 500 बिकम्स रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम कुंदन. तो ऐसे ट्रांजेक्शन हमने अभी भी बाकी रखे थे तो इसको हम इग्नोर करेंगे थोड़े टाइम के लिए. चैप्टर नंबर जब भी 4 स्टार्ट करेंगे तब उसको देखेंगे जनरल एंट्री में. ओके, तो 10, सैलरी पेड टू दिनेश 1200. दिनेश को हमने सैलरी पेड किया है. सो हियर इज अ पेड वर्ड, सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन. पेड किया है सो कैश गोज आउट. चलिए यहाँ पे दिनेश को दिया है, किसका दिया है, सैलरी का. तो मैंने बोला था एक्सपेंस करते हैं तो नेम को निकाल दो. सैलरी का दिया है सो सैलरी इज एक्सपेंस. चलिए सो फर्स्ट इफेक्ट कैश अकाउंट एंड सेकंड इफेक्ट सैलरी है सो सैलरी अकाउंट. कैश किस में आएगा, रियल में. सैलरी किस में आता है, नॉमिनल में. रियल में गोज आउट है तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट. नॉमिनल में एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, डेबिट. नाउ नंबर 11, कमीशन रिसीव 3000. हमको यहाँ पे कमीशन मिला है, राइट. कितना मिला है, 3000. रिसीव वर्ड है, कौन सा वर्ड है यहाँ पे, रिसीव. सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन. रिसीव यानी मिला, मिला तो कैश कम्स इन. क्या मिला, कमीशन. तो लिखेंगे कमीशन मिला है तो इज अ इनकम. सो कैश कम्स इन तो फर्स्ट कैश अकाउंट, सेकंड कमीशन अकाउंट. कैश किस में आएगा, रियल में. कमीशन किस में आएगा, तो सर नॉमिनल. रियल अकाउंट में कम्स इन है तो क्या करते हैं, डेबिट. और नॉमिनल में इनकम है तो क्या करेंगे, क्रेडिट. ओके, चलिए देखते हैं आगे के ट्रांजेक्शन, थोड़ा रफ कर लेता हूँ.
नंबर 12, गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 परचेस ऑन कैश। सो हमने गुड्स परचेस किया है कैश में, सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन, लिखा ही है कैश। चलिए, गुड्स परचेस किया यानी कि गुड्स आया, कैश गया, सो कैश गोज आउट एंड गुड्स कम्स इन। सो कैश अकाउंट एंड गुड्स परचेस किया है, सो हियर इज अ परचेस अकाउंट, राइट। चलिए, कैश किस में आता है? रियल में। परचेस भी किस में आता है? रियल। रियल में गोज आउट है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। एंड रियल में कम्स इन है तो क्या करेंगे? डेबिट। नेक्स्ट नंबर 13, गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड ऑन कैश। गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड ऑन कैश। तो 20,000 का गुड्स हमने सेल किया है, वो भी कैश में, सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। कैश में सेल किया यानी कि गुड्स गया एंड कैश आया, सो कैश आया, सो कम्स इन एंड गुड्स गोज आउट। सो कैश अकाउंट एंड सेल किया है इसीलिए गोज आउट हुआ, तो सेल्स अकाउंट। कैश यानी कि रियल में आएगा, गुड्स यानी भी रियल में आएगा। रियल में कम्स इन तो क्या करेंगे? डेबिट। एंड रियल में गोज आउट यानी कि क्रेडिट। आई नो दैट एक ही बात सुन के पक गए होगे, बट कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन बाकी नहीं है, जल्दी से फिनिश हो जाएगा। नंबर 14, व्हीकल परचेस ऑफ रुपीज 10,000। टेन थाउजेंड का हमने व्हीकल परचेस किया, सो फाइंड कीजिए कैश, चेक, बैंक, रिसीव, ऐसा कोई वर्ड है? नहीं है। चलिए, किसी का नेम भी दिया है सर, वो भी नहीं है, सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। हमने कैश दिया और व्हीकल परचेस किया, यानी कि कैश गया और व्हीकल आया, सो कैश गोज आउट एंड व्हीकल कम्स इन। सो कैश अकाउंट एंड व्हीकल अकाउंट्स, कैश आएगा रियल में, व्हीकल भी आएगा रियल में। सो कम्स इन एंड गोज आउट, कम्स इन है तो डेबिट, गोज आउट है तो क्रेडिट। ओके, सो नेक्स्ट नंबर 15, फर्नीचर ऑफ रुपीज 2,000 परचेज फ्रॉम राज फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम राज फर्नीचर मार्ट। सो हमने 10,000 का फर्नीचर राज फर्नीचर मार्ट में से परचेस किया है, सो देखते हैं यहाँ पे कैश, चेक, बैंक, रिसीव, ऐसा कोई वर्ड नहीं है? नहीं है। नेम दिया है? यस सर। सो लिखो राज फर्नीचर मार्ट। तो राज फर्नीचर मार्ट से हमने फर्नीचर परचेस किया यानी कि फर्नीचर आया और राज फर्नीचर मार्ट ने हमको दिया, सो राज फर्नीचर मार्ट इज गिवर एंड फर्नीचर कम्स इन। तो यहाँ पे आएगा इफेक्ट राज फर्नीचर मार्ट एंड दूसरा फर्नीचर अकाउंट। चले, राज किस में आता है? तो सर पर्सनल में, और फर्नीचर तो रियल में। पर्सनल का रूल्स क्या है? गिवर को हम क्या करेंगे? क्रेडिट।
एंड रियल में कम सीन है तो डेबिट। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा और रफ करना पड़ेगा। नंबर 16, लक्ष्मी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹400। लक्ष्मी ने हमको 400 का गुड्स रिटर्न किया है। किसने रिटर्न किया है? लक्ष्मी ने। सो यहाँ पे कहीं भी कैश, चेक, बैंक, रिसीव ऐसा कोई वर्ड नहीं है, नेम दिया है। सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो लिखेंगे लक्ष्मी। चलिए, लक्ष्मी ने हमको रिटर्न किया, यानी कि लक्ष्मी इज गिवन। क्या दिया? गुड्स। तो गुड्स रिटर्न कम्स इन, गुड्स रिटर्न आया, गुड्स आ रहा है ना। सो फर्स्ट इफेक्ट लक्ष्मी बैंक, लक्ष्मी अकाउंट, एंड गुड्स रिटर्न आ रहा है। कौन सा गुड्स रिटर्न आएगा? जो हमने सेल्स किया है वो, तो उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। चलिए, लक्ष्मी आती है पर्सनल अकाउंट्स में और सेल्स रिटर्न आता है रियल अकाउंट्स में। पर्सनल का रूल से गिवर को हम क्या करें? क्रेडिट, एंड रियल का कम्स इन तो डेबिट। चलिए, कोई भी हमको गुड्स कब रिटर्न कर सकता है? जब हमने उसको सेल किया होगा तब, यानी कि सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न आ रहा है, इट्स कॉल्ड सेल्स रिटर्न। अगर हमने किसी को गुड्स रिटर्न किया है, इसका मीनिंग ये हुआ कि पास्ट में हमने उसके पास से परचेस किया था, वो परचेस किया हुआ गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, सो इट्स कॉल्ड अ परचेस रिटर्न। ओके, नेक्स्ट वाला शायद वही है। नंबर 17, गुड्स ऑफ ₹500 रिटर्न टू बच्चू भाई। रिटर्न टू बच्चू भाई। सो हमने बच्चू भाई को यहाँ पे गुड्स दिया है, रिटर्न किया है, सो दिस इज ऑल्सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बच्चू भाई दिया है यहाँ पे नेम, सो लिखेंगे पहले बच्चू भाई। सो देखते हैं बच्चू भाई क्या है, रिसीवर या गिवर? हमने बच्चू भाई को दिया, सो बच्चू भाई इज अ रिसीवर, एंड गुड्स रिटर्न गोज आउट, गुड्स जा रहा है। सो फर्स्ट इफेक्ट बच्चू भाई अकाउंट, एंड गुड्स गोज आउट, तो कौन सा गुड्स है ये? परचेस किया हुआ हम रिटर्न कर रहे हैं ना, सो परचेस रिटर्न अकाउंट। चलिए, बच्चू भाई किस में आते हैं? तो पर्सनल अकाउंट में, और परचेस रिटर्न किस में आता है? तो रियल अकाउंट में। पर्सनल में रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट, एंड रियल में गोज आउट है तो क्रेडिट। नाउ नंबर 18, विड्रॉन 2000 फ्रॉम यूनियन बैंक। मैं सिर्फ बैंक लिख रहा हूँ, सो बैंक वर्ड है, सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। हमने बैंक में से पैसे विड्रॉन किए, सो पैसे कैश कम्स इन या गोज आउट, तो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। बैंक में से विड्रॉन किए, सो कैश कम्स इन। कहाँ से आया सर? तो बैंक में से, बैंक ने दिया, सो बैंक इज अ गिवर। सो फर्स्ट इफेक्ट कैश अकाउंट, सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट। कैश है वो रियल अकाउंट में आता है, बैंक किस में आता है सर? तो पर्सनल में। रियल का रूल से कम्स इन है तो डेबिट करो, और पर्सनल का रूल है गिवर है तो क्रेडिट करो। नाउ नंबर 19, 300 पेड फॉर पोस्टेज।
300 रुपीज़ हमने पोस्टेज का पेड किया, सो पेड वर्ड है, सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। पेड किया तो कैश गोज आउट, एंड पोस्टेज का है तो पोस्टेज इज एक्सपेंस। चलिए कैश अकाउंट एंड पोस्टेज अकाउंट, कैश किस में आता है तो सर रियल में, पोस्टेज नॉमिनल। रियल अकाउंट का रूल्स है, गोज आउट है तो क्या करो क्रेडिट, और एक्सपेंस है तो क्या करो नॉमिनल में, एक्सपेंस है तो क्या करो डेबिट। लास्ट 20 वाला वैसे ही करवा रहा हूँ, ₹200 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो इसके जैसा ही इसमें भी पेड है तो कैश गोज आउट होगा और पोस्टेज की जगह क्या आएगा एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस। कैश अकाउंट एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, रियल नॉमिनल क्रेडिट एंड डेबिट सेम रहेगा। तो ये था चैप्टर नंबर 2। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में या तो हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे GST या फिर जनरल एंट्री देखेंगे। तो होप सबको ये पता चल गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।